तो स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने सिंगल हो और मैं भी। पोकेमोन कम्युनिटी के अंदर आज तक केवल एक ही बंदे की रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई है, वो है एश, एश और एश। किसी ने आज तक पिकाचू के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यार उसके पास भी दिल है, उसके भी तो कई सारे रिलेशनशिप्स होंगे, लेकिन सबको केवल कुछ ही बंदों के पीछे भागना है। एश, सरीना, मिस्टी और बस ऐसे गिने चुने लोग हैं जिसके ऊपर लोग वीडियो बना देते हैं और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जिसको भी मैंने नंबर फर्स्ट के ऊपर रखा है वो डिजर्विंग है, और उसकी जगह नंबर फर्स्ट पे कोई और ले ही नहीं सकता। वही है जो नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए और वही है जो पिकाचू का ट्रू लव है, पिकाचू की फ्रेंडशिप सभी पोकेमॉन्स के साथ काफी अच्छी है। वो हर एक पोकेमॉन के साथ काफी अच्छे से रहता है और सभी पोकेमॉन्स उसके दोस्त है, लेकिन जब वो फ्रेंडशिप अपने लेवल से ऊपर उठ जाती है तब वो रिलेशनशिप कहलाती है। पिकाचू एंड टोगेपी, इसको रिलेशनशिप बोलना शायद थोड़ा अजीब हो जाएगा। ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है दो काफी अच्छे दोस्तों के बीच में, और पिकाचू एज ए रोल मॉडल रहा है टोगेपी के लिए। एंड ये आप सभी ने देखा है कि पिकाचू टोगेपी को कितनी बार बचा चुका है। हर बार टोगेपी किसी ना किसी प्रॉब्लम में होती है और पिकाचू उसको हर बार मदद करता है। और ये कुछ समय तक साथ थे लेकिन बाद में जाके अलग हो गए थे। जब टोगेपी अपने अंडे में थी, पिकाचू तब से लेके एंड तक जब ऐश और मिस्टी अलग नहीं हुए थे तब तक उस टोगेपी के साथ था, और इतने से टाइम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे और दोस्त से कुछ ज़्यादा ही था। और वो काफ़ी अच्छे लगते थे दोनों साथ में, काफ़ी क्यूट लगते थे, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होता कि उनको अलग होना पड़ता क्योंकि ऐश अपने रास्ते और मिस्टी अपने रास्ते। और ऐसा हुआ, ऐश और मिस्टी अपना एक दूसरे से अलग हुए तो इन दोनों को भी अलग होना पड़ा। पिकाचू एंड बनेरी, इन दोनों के रिलेशन के बारे में ना जानने का सबसे बड़ा कारण यही है कि शायद आपने अभी तक भी डायमंड एंड पर्ल नहीं देखा, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने डायमंड एंड पर्ल देखा होता तो आपको पता होता कि इन दोनों का रिलेशन क्या है और किस लेवल का है। अगर आपने अभी भी डायमंड एंड पर्ल नहीं देखा है तो आपने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डायमंड एंड पर्ल देखो। बनेरी ने जब पहली बार पिकाचू को देखा था तो उसका उसी दिन पिकाचू के ऊपर क्रश आ गया था। स्टार्टिंग से जब बनेरी ने पहली बार पिकाचू को देखा था उसी दिन से बनेरी को पिकाचू के ऊपर क्रश था। एंड आप इसको अपने आप से रिलेट कर सकते हो कि आपने जब पहली बार अपने क्रश को देखा था तो आपका भी क्रश आया था ना? नहीं। डॉन का फर्स्ट पोकेमॉन और इनडायरेक्टली सेकंड पोकेमॉन, तो आप इससे समझ सकते हो कि पिकाचू और डॉन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से जब डायमंड एंड पर्ल स्टार्ट हुआ था तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपने डायमंड एंड पर्ल नहीं देखा है तो, और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन दोनों का जो जोड़ी है और जो उनका कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। एक पूरा रीजन उन्होंने साथ कवर कर रखा है। जब भी बनेरी पिकाचू के सामने आती है तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, और पिकाचू को ये पता है कि जो बनेरी है उसको उसके ऊपर क्रश है। और एट दी एंड जब अपना डायमंड एंड पर्ल ख़त्म हो रहा था तो पिकाचू ने भी हल्का हल्का ऐसा कन्फेस कर ही दिया था कि बनेरी भी उसको पसंद है, लेकिन फिर बाद में जाके ऐसे आपको ही पता होगा कि ऐसे पूरा रिलेशनशिप कब तक टिकता है। फिर बाद में वो दोनों भी अलग हो गए, ऐश अपने रास्ते और डॉन अपने रास्ते, तो उसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए और उस वजह से उनकी कहानी भी वहीं ख़त्म हो गई। म्यूजिक, अब आते हैं नंबर वन के ऊपर। एंड मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन या नंबर वन पे आता है पिकाचू और कैचअप। क्या बोला तूने? सो ये बात है एपिसोड नंबर 42 की, और इस एपिसोड का टाइटल है शोडाउन एट डार्क सिटी। तो एपिसोड के अंदर पिकाचू और बाकी सभी लोग जाते हैं रेस्टोरेंट टाइप की कोई जगह थी वहाँ पे, और वहीं पे होती है पिकाचू की मुलाकात एक कैचअप की बॉटल से। एंड पिकाचू को वो बॉटल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। जब ऐश उस बॉटल को लेने की कोशिश कर रहा तो पिकाचू उसको दे भी नहीं रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी उसको वो बॉटल। पर जैसा कि आपको पता है कि लव स्टोरीज ज़्यादा नहीं चलती, तो इसके साथ भी वही हुआ। कुछ देर बाद एंट्री होती है वहाँ पे एक साइथर की, जो अटैक करता है पिकाचू के ऊपर, और पिकाचू गलती से अपने आप को पीछे करके और उसकी जो बॉटल है उसको आगे कर देता है, और उस वजह से जो साइथर का अटैक है वो बॉटल पे लग जाता है और बॉटल बेचारी कट जाती है। और यहाँ पे पिकाचू को देख के साफ दिखता है कि उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है उसकी बॉटल कट गई इस वजह से। और पिकाचू से टोगेपी भी अलग हुई, वो नहीं रोया। डॉन की बनेरी भी अलग हुई, वो फिर भी नहीं रोया, लेकिन जब बॉटल कट गई तो यार बेचारे की शक्ल तो देखो। एंड पोकेमॉन फैंस को इन दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि पोकेमॉन कंपनी वालों ने एक सेपरेट इसका एक सॉन्ग बना दिया, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ यार काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और पूरा का पूरा पिकाचू और उसके कैचअप के ऊपर है।
तो आपको अच्छा लगेगा और क्यूट सॉन्ग है। और इस चीज को जापान के लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और वहाँ की जितनी भी कैचअप कंपनियां है जो कैचअप बनाती है और जितने भी एड्स होते हैं कैचअप के या फिर सॉसेस के, उसके अंदर पिकाचू एज अ मेन लीड था और उस वजह से जितनी भी कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सो यही थी पिकाचू की जितनी भी रिलेशनशिप थी सभी यही थी। और उम्मीद करूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आज तक YouTube पे कोई वीडियो है ही नहीं और मैंने बना दिया है, अब तो आदत सी है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। काफ़ी सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं और ऐसे वीडियो देख के चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो। आपको चैनल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो देखने को मिल चुकी है और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है और फ्यूचर में भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कर दो और मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक भाई कोई जगह गेले माँ बाबा पार्टनर सब लोग इतना लगे नॉर्मल तुमरा देखी गर्लफ्रेंड का स्टिका पार्टनर सब लोग ओ मागु टुरुला।